मेरा नाम प्रबल जैन है और ये मेरा ब्रदर है जॉनी जैन। तो इसकी 2 तारीख की रिपोर्ट, 2 जनवरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। तो उसके बाद इसका नॉर्मल 2-3 दिन ट्रीटमेंट कोटा में चला और 5 तारीख की रात को हमने इसको जयपुर इंटरनल हार्ट में एडमिट कर दिया था। तो 5 तारीख की रात को आने के बाद भी डॉक्टर्स ने यहाँ पे हमारे काफ़ी टाइम तक कॉल आए नाइट में कि स्थिति काफ़ी सीरियस है, गंभीर है और बहुत क्रिटिकल केस है। तो फिर उसके बाद सुबह 6 बजे डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई और इस केस को पूरा हैंडल कर रहे थे जेपी गुप्ता जी। तो उनसे हमारा जब फर्स्ट मीटिंग पे डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने ये बोला था कि 99% मतलब चांस बहुत कम है और 1% में कोई अगर उम्मीद है तो वो हम वेट करेंगे। तो उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होता रहा और करीबन 7 दिन तक ये फर्स्ट वेंटिलेटर पे रहा और 7 दिन बाद इसकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो गई थी। तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद इसको MICU में शिफ्ट कर दिया था। MICU में शिफ्ट करने के बाद जनरली इसके 3-4 दिन मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन पे थे लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी थी। तो वापस जब हमारी डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बोला कि दोबारा ये वापस वेंटिलेटर की पोजीशन पे जाएगा तो आउटकम बहुत कम रहेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हुआ था और ये 15 की नाइट को वापस वेंटिलेटर पे चला गया था। तो 15 से 22 तक तो मतलब बहुत सीरियस कंडीशन थी और 2-3 दिन बाद डॉक्टर साहब ने बोल ही दिया था कि मतलब चांस बहुत कम है। 22-23-24 कंटिन्यूसली हमारा यही प्रोसीजर रहा। जब भी हमारी मीटिंग होती थी डॉक्टर साहब से तो वो हमें यही बोलते थे कि आउटकम बहुत कम है और आप अपने स्तर पे अगर यहाँ से शिफ्टिंग के लिए कहीं और जगह वेंटिलेटर पे रख सकते हो। बाकी हमने डॉक्टर साहब को यही बोला था कि आप इसको यहीं रखो, अपन इसको वेट करते हैं और धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो ठीक है, नहीं होगा भी होगा फिर देखते हैं। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद 25 तारीख की मॉर्निंग को जब हम डॉक्टर साहब से कुछ डिस्कस करने गए थे कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग सर आपको यहीं रखना है, कहीं इसको मतलब यहाँ से हम डिस्चार्ज की उम्मीद में नहीं है, जो भी होगा यही होगा। तो उस टाइम पे हम ये बात करने गए थे लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें इतनी बढ़िया खुशखबरी दी, इन्होंने हमें ये बोला था कि इसकी लंग्स की रिपोर्ट और एक्सरे में नाइट में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है और इसके जो ब्लड काउंट सेल्स थे जो 30,000-32,000 पे मेंटेन थे वो सडनली 50% उन्होंने जंप लगाया था उस दिन, तो 16,000 वो आ गए थे। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें एक ही बात बोली थी कि अब आप इसको कहीं मत ले जाओ, जो है अब हम इसको ठीक करके घर भेज देंगे। तो उसके बाद इसकी धीरे 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 रिकवरी आती गई और जो इसके ऑक्सीजन सपोर्ट थे पहले 15, 5, 10 और 5, 3 तो आज ऐसी पोजीशन है कि इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है और 3 दिन से जब ये इस रूम में आया है तो हम खुद इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको 1% कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज खुद की सांस खुद ले रहा है। तो ये है सर पूरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेबी गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट रिटर्न हॉस्पिटल हूँ। ये जो पेशेंट है जॉनी जैन, ये 5 जनवरी को शाम को हमारे हॉस्पिटल में आए थे और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। इसको कोविड निमोनिया था और बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव निमोनिया था, बहुत तेजी से इसका निमोनिया पूरे शरीर में फैल गया था, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 80% से ज्यादा था। रात में हमने इसको बाईपैप पर रखने की कोशिश की लेकिन मॉर्निंग में अल्टीमेटली इसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। ये 5-6 दिन वेंटिलेटर पर रहा, इसके काउंट्स बहुत ज्यादा थे, फुल 100% ऑक्सीजन के ऊपर थे। इसके बाद इसमें थोड़ी रिकवरी हुई और ये 4-5 दिन बाद वापस वेंटिलेटर से डाउन हो गया और इसके बाद में करीब 10 दिन ऊपर ICU में रहा। हमारी टीम जो पूरी क्रिटिकल केयर टीम के मेंबर्स थे उन्होंने अच्छे से केयर की इसकी और ये बाईपैप पे था। फिर इसके कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हमने MICU में लिया। MICU में आने के बाद में मेरे साथ मेरे डॉक्टर कलीग डॉक्टर के शर्मा जो कि यहाँ के सीनियर चेस्ट फिजिशियन है, डॉक्टर किशोर पंगल जो कि क्रिटिकल केयर के हेड हैं MICU के, और डॉक्टर आदित्य, हम लोगों ने मिलकर इसके ऊपर बहुत मेहनत की। एक स्टेज पर हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि इसके सिटी स्कैन में रिपीट करा था, उसमें बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स हो गया था, सर्जिकल निमोनिया था और बहुत ही ज़्यादा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट था। हमें एक स्टेज पर ऐसा लगा था कि इसको बचाना अब नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। हमने अटेंडेंट को अकॉर्डिंगली कन्विंस भी किया था कि भाई अभी इसके बचने के चांस बहुत कम है, अब तो भगवान की भी चमत्कार हुआ तो बच पाएगा। लेकिन एक चमत्कार हुआ भगवान का कि हमारी मेहनत भी रंग लाई, हम लोगों ने जो इतनी मेहनत जोर से मेहनत की थी, धीरे धीरे इसके न्यूमोथोरैक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, लंग्स में आराम हुआ। अब लगभग 1 महीना 10 दिन बाद आज वो दिन आया जब ये ठीक हो गया, अपने घर जा रहा है। पिछले 3 दिन से कोई ऑक्सीजन पे नहीं है, सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ चुकी है, अभी बिल्कुल ठीक है और केवल वीकनेस है क्योंकि इतने लंबे टाइम से हॉस्पिटल था, वो धीरे धीरे इसमें रिकवर होगी, बाकी अभी घर जाने की कंडीशन में है। तो मेरे साथ साथ में मेरे कलीग डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर किशोर, डॉक्टर आदित्य का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने इतनी मेहनत करके इसको ठीक किया और हमें इस बात की बहुत खुशी की आज ये घर जा रहा है।